हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ई ज्ञान कोर्सेज पर आप सभी का स्वागत है। एक्सेल की इस वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे इवन और ओड से रिलेटेड फंक्शंस को यूज करना। सबसे पहले जान लेते हैं कि इवन और ओड नंबर्स होते क्या हैं। जो नंबर्स टू से डिविजिबल होते हैं उन नंबर्स को इवन नंबर्स कहते हैं, और जो नंबर्स टू से डिविजिबल नहीं होते हैं उन नंबर्स को ऑड नंबर्स कहते हैं। स्क्रीन पर दिख रही वर्कशीट पर यहां पर जो पहला बॉक्स है उस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि ओड सीरीज दी गई है। इस ओड सीरीज में हम देख पा रहे हैं कुछ नंबर्स हैं। इन नंबर्स को हम इवन नंबर में चेंज करना चाहते हैं, तो इवन हेडिंग के नीचे हम टाइप करेंगे इज इक्वल्स टू इवन, ब्रैकेट स्टार्ट करके ओड सीरीज के नीचे लिखे पहले नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे, ड्रैग डाउन कर लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ओड सीरीज वाले नंबर्स थे वो इवन नंबर्स में चेंज हो चुके हैं। इवन हेडिंग के साइड में एक और हेडिंग है नंबर्स की, उसके नीचे एक लिस्ट है। उन नंबर्स को हम चेक कराना चाहते हैं कि वो नंबर्स इवन हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए हम इस इवन फंक्शन का यूज करेंगे। इस इवन फंक्शन ट्रू या फॉल्स में बताएगा कि वो नंबर इवन है या नहीं है। तो यहां इस इवन हेडिंग के नीचे इज इक्वल्स टू इस इवन फंक्शन टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करके नंबर्स के नीचे लिखे पहले नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे, उसके बाद इसको ड्रैग डाउन कर लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पहला नंबर है उसको चेक करके इसने बताया है ट्रू में, यानी कि ये नंबर जो है वो इवन नंबर है। राइट साइड में आप एक और बॉक्स देख पा रहे होंगे, यहां पर इवन सीरीज की एक लिस्ट बनी हुई है। इस सीरीज को हम चाहते हैं कि ये ऑड नंबर में चेंज हो जाए, तो ऑड नंबर में चेंज करने के लिए हम यहां पर इज इक्वल्स टू ऑड फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करके इवन सीरीज के नीचे लिखे पहले नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, इसको भी ड्रैग डाउन कर लेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो इवन सीरीज के नीचे नंबर्स थे वो सारे ऑड नंबर्स में चेंज हो चुके हैं। ऑड हेडिंग के राइट साइड में आप देख सकते हैं नंबर्स की एक और लिस्ट है, जिसको कि हम चेक कराना चाहते हैं कि ये नंबर्स ऑड हैं या नहीं हैं। तो ये चेक कराने के लिए हम यहां पर टाइप करेंगे इज इक्वल्स टू इज ऑड फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट करके नंबर्स के नीचे लिखे पहले नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो पहला नंबर है उसको मना कर रहा है, यानी कि फॉल्स दिखा रहा है कि ये नंबर ऑड नहीं है। हम इसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं। ड्रैग डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी नंबर्स ऑड हैं उनको ट्रू दिखा रहा है, और जो नंबर ऑड नहीं है उनको फॉल्स दिखा रहा है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे YouTube चैनल पर ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल ई ज्ञान कोर्सेज को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।